बना रहे हो? किसके लिए खाना बना रहे हो? हाँ शिव बाबा, आपको भोग लगा नहीं, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति को ये अच्छा लगता है, इसके लिए खाना बना रहे हो। ये जय शिव बाबा को भोग लगा, बाबा आप क्या खाना बना रहे हो, आपको भोग लगा है, आपको कौन सी सब्जी बनाओ। तो बाबा के अगर उसके बाद बाबा आज आपने मुरली में ये कहा था, ज्ञान का चिंतन करते, बाबा से बात करते करते कर्म करते हो, तो संबंध जुड़ा बाप है। अगर बहुत दर्द है, बीमारी है, तो डॉक्टर को याद करते हो, शिव बाबा हमारा डॉक्टर है। कोई भी बीमारी हो, बाबा को शिव बाबा आपने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं, बाबा ये बीमारी है क्या करो, तो बाबा आपको टचिले बच्चे इस डॉक्टर के पास चलो, ये डॉक्टर आपको दवाई देगा, ये करो, सुप्रीम सर्जन है। तो सर्वसम्मत, भूख लगी उठा के नहीं खा, बाबा भूख लगी, माँ बाप है, माँ से मांग के लेते, तो भगवान माँ बाप है। तो आप पूछेंगे भगवान माँ बाप कैसे खिलाता है, उसका भी एक आपको अनुभव बताता है बाबा कैसे खाता है। देखो शुरू में ब्रह्मा बाबा था, दादी को भी पता होगा, दादी को भी अपना अनुभव पता, कभी पूछना कि बाबा जब भी ब्रह्मा बाबा घर में, तो सभी के साथ खाना खाते थे, अकेला नहीं खाते, साढ़े 100 बहने थी, भाई भी थे, सबको लोग दूर बैठते थे, बाबे जमीन पर बैठ के खाना खाते। एक दिन बैगरी पार्ट था, गरीब कुछ नहीं था उस समय, और बहने बाहर वॉचमैन जो बहरा देना पड़ता ना, तो बहने देती थी, गेट पर रहते थे कोई ना कोई। तो बाबा सबके सामने खाना खाने बैठा, तो खाना जो खिलाने वाली बहन थी उन्होंने क्या बोला कि आज दोबारा कोई भी दाल मांगेगा नहीं, दाल एक एक दफा मिलेगी, दोबारा नहीं। तो बाबा भी बैठा था, बाबा को ठीक नहीं लगा, अरे बच्चे भगवान के बच्चे, इनको दाल भी नहीं मिलेगी। उठ के सीधा अपना कमरे में गया और कमरे में जाके बैठा, बैठा दूसरी दादी, बाबा खाना खाने चलो, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। तो बाबा ब्रह्मा बाबा से बात कर रहे, आपके बच्चे भगवान के बच्चे और उनको एक दाल नहीं मिल रही है, तो आप पालनहार कैसे हो, क्या पालना करते हो? तो कहा बाबा खाना खाने सब बैठे चलो, ठहरो मैं बाबा से बात करता हूँ। फिर उसके बीच में एक बैलगाड़ी लेकर अब अपने कंपाउंड में एक व्यक्ति आया, तो जो गेट पर बहन थी उन्होंने कहा भैया गाड़ी अंदर नहीं लाओ, बाहर रख दे जाओ, आपका रास्ता नहीं है, नहीं मुझे यहाँ ही सामान उतारना है, नहीं आप बैलगाड़ी अंदर नहीं ला सकते हो, रोक लो उधर, रुके नहीं अंदर घुस गए। तो उसके बाद उसको कितना कहा माना नहीं, तो बाबा को बताया, बाबा ने कहा बच्ची पहले उसको खाना खिला, उसको खाना खिला के मेरे पास ले गया। तो अरे तुम बैलगाड़ी लेके अंदर क्यों आया? मुझे पता नहीं, मैं रास्ते पर हमारे खेती में दाल लगी, दाल मार्केट में बेचने जा रहा था, तो कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा ये माल सामान तो उस उधर जाके छोड़ दो, तुम इसके पहले लेके आया, मैं यहाँ उतार के जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मुझे कहा कि इधर उतार के जाओ, दाल की सारी बोरी आंगन में उतार के चला गया। तो कौन खिला रहा है? तब कहता भगवान पालनहार है। तो दुनिया में लोग कहते करण कराव है, वो पालना करता है, वो खिलाता है, कहाँ खिलाता है, कैसे खिलाता है? एक नहीं, एक उदाहरण ऐसे हजार उदाहरण है।